हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो मेरा ये फर्स्ट क्यू एंड ए वीडियो है, इसके लिए आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे। मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब लेके रेडी हूँ। तो वैसे भी जब भी आप मेरे किसी भी वीडियो पे कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो अगर किसी का नहीं दे पाऊँ तो मैं ऐसे ही क्यू एंड ए वीडियो बीच बीच में करती रहूँगी। तो आप उसमें अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, तो मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले किरण जी, परमिंदर जी और इंदु जी, आपने बहुत ही प्यारे कमेंट्स किए हैं, मेरी बहुत तारीफ की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब आपके क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है किरण जी का। किरण जी, आपने 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं तो मैं उसका एक साथ आंसर करूंगी। आपने पूछा था कि आफ्टर ट्रीटमेंट आपने एक्सरसाइज कब शुरू की, योगा कितनी देर करती हैं, पॉजिटिव कैसे रहती हैं और वीकनेस को कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज कब शुरू की। तो देखिए, जैसे मेरी सबसे पहले सर्जरी हुई थी तो जब आपकी सर्जरी होती है एटलीस्ट कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं सर्जरी के, जो आपको स्टिचेस लगे होते हैं या ड्रेन के लिए जो पाइप लगी होती है उसे निकलने में कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं। और किसी किसी को ज़्यादा भी हो सकता है, अगर किसी को पस पड़ जाए या कुछ और दिक्कत हो जाए, लेकिन मुझे 3 हफ्ते लगे थे। उसके बाद में स्टिचेस खुल गए थे, पाइप निकल गई थी। तो उसके बाद जो आपके सर्जन होते हैं वो नेक्स्ट डे से आपको एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। जब तक आपके स्टिचेस लगे होते हैं तब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके खुलने का डर रहता है। तो जैसे ही वो हट जाते हैं तो आप नेक्स्ट डे से, मतलब ये समझ लीजिए आपकी 3 हफ्ते के बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है, बीच में कीमो लग रही होती है, रेडिएशन होते हैं, आप करने की हालत में है या नहीं है। लेकिन जब भी आपको लगे कि मैं करने की हालत में हूँ तो एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट है कि आप योगा कितनी देर करती हैं। देखिए, मैं योगा मिनिमम में कम से कम बता रही हूँ, 1 से 1.5 घंटा मैं ज़रूर करती हूँ और डेली करती हूँ। मैं ये तब नहीं करती अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, घर से बाहर हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। बाकी अगर मैं घर में हूँ, मैं डेली योगा करती हूँ, एटलीस्ट 1.5 घंटा मैं मिनिमम करती हूँ। मैक्सिमम कई बार मुझे अच्छा लग रहा होता तो मैं 2 घंटा भी कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा हैप्पी प्लेस है। जब भी मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, प्राणायाम कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार 2 घंटे भी निकल जाते हैं करते करते। तो आपने पूछा था पॉजिटिविटी कैसे आती है, जैसे मैंने आपको बताया मैं मेडिटेशन करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ और अच्छा खाती हूँ, तो मेरी वीकनेस और मेरी पॉजिटिविटी इसी चीज़ से आती है। एक मेरी डाइट, जब मैं अच्छा खाऊंगी तो नेचुरल सी बात है मेरी जो वीकनेस है वो दूर हो जाएगी, अच्छी डाइट लूंगी, हेल्दी डाइट लूंगी। और दूसरा है पॉजिटिविटी, वो मुझे मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सब एक्सरसाइज से, अगर मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो मुझे लगता है मेरा पूरा दिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ बीतता है। तो मुझे लगता है मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। आशा करती हूँ आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो नेक्स्ट है, हाय डियर, आई एम अराती हेयर, मेरी एज 30 है, मुझे TNBC थर्ड स्टेज का कैंसर है, अब ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है बट मेरे पीरियड अभी नहीं आए हैं, मुझे 4 महीने हो गए हैं। तो देखिए हराती जी, ये समझिए कि अगर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है, जैसे सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, स्पेशली कीमो लगी है आपको, तो अभी आपको सिर्फ 4 महीने हुए हैं, तो इतनी जल्दी आपको पीरियड नहीं आएंगे। वैसे किसी के आ जाते हैं, आने नहीं चाहिए इतनी जल्दी। देखिए, सबसे पहले समझिए, हमारा कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, अगर हमें कीमो दी जाती है, कीमो का काम है हमारे शरीर में जो भी हॉर्मोन्स बनते हैं, वो बैड हो गुड हो, उन्हें रोकना। तो जब हॉर्मोन्स नहीं बन रहे हैं हमारे शरीर में तो नेचुरल सी बात है हमें पीरियड नहीं आएंगे। तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से काम कर रहा है, तो तभी हमारे हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं तो हमें पीरियड नहीं आएंगे। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे पीरियड जो है 1.5 या 1.75 साल के बाद आए थे ट्रीटमेंट के बाद, तो आपको अभी 4 महीने हुए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और ज़रूरी नहीं है इतनी जल्दी वैसे भी आने नहीं चाहिए, जितने थोड़ा लेट आए तो उतना ज़्यादा बेहतर है। अभी आपकी एज जो है, आपने बताया 30 साल है, तो घबराइए मत, आपको पीरियड आ जाएंगे। अभी आप बहुत ही यंग एज में हैं तो आपके पीरियड वापस आ जाएंगे, तो इतना जल्दी वेट मत कीजिए पीरियड के वापस आने का। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, मुझे 1.5-2 साल बाद आए थे
और अभी तक आ रहे हैं, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाती है लेकिन अभी तक मेरे पीरियड आ रहे हैं। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिए और इतना जल्दी वेट मत कीजिए पीरियड आने का, वो धीरे से आ जाएंगे जब आने होंगे तो। और नेक्स्ट है अदिति सिंह, मैम बताइए कि कीमो ख़त्म होने के कितने दिन बाद रेडिएशन शुरू होते हैं। तो देखिए अदिति, जैसे ही आपकी कीमो ख़त्म होती है, जैसे मुझे कीमो लगती थी 21 दिन के बाद, तो जब लास्ट कीमो लगती है तो हमें 21 दिन का वेट करना होता है क्योंकि हमें थोड़ा शरीर को रिपेयर होने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। कीमो के बाद थोड़ी हालत ठीक नहीं होती, जैसे 21 दिन होते हैं तो जैसे ही हम अपने सर्जन के पास गए तो क्या है, हमारा जो सर्जरी का डिपार्टमेंट और जो ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट मतलब रेडिएशन का डिपार्टमेंट है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने पीजीआई में ट्रीटमेंट करवाया है तो जैसे ही मेरे कीमो के जो है 21 दिन कंप्लीट हुए तो हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें रेफर किया रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पर डॉक्टर एक दिन लगता है हमारी फाइल वाइल बनने में और जो भी उन्हें थोड़े बहुत टेस्ट करने हो, मार्किंग करते हो कि कहाँ से कहाँ तक रेडिएशन होने हैं, वो सब करते हैं और नेक्स्ट डे से मेरे रेडिएशन शुरू हो गए थे। मतलब आप यही समझिए 20 से 25 दिन, जब मुझे कीमो लगी थी उसके 20 से 25 दिन के बाद मेरे रेडिएशन शुरू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुचिता कामले जी का, तो वो पूछती हैं मैम हेयर डाई कर सकते हैं क्या। तो देखिए वैसे नहीं करना चाहिए हेयर डाई, मेरा ये पर्सनल मानना है। वैसे बहुत सारे लोग करते हैं, आप करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत सारा केमिकल्स होता है जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, स्पेशली हमारी आईज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आईज साड़ी इससे वीक होती है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि मैंने जब से हेयर डाई लगाना शुरू किया मेरी आई साइड जो है वीक होना शुरू हो गई है, उससे स्किन में फर्क पड़ता है। किसी किसी को जो है उससे इरिटेशन, खुजली या कुछ ऐसे एलर्जी टाइप भी हो जाती है। बाकी आपकी मर्जी, मैं जो है मैं ये नहीं लगाती हूँ, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप हेयर डाई लगाएं। मैं अगर मुझे ज़रूरत होती है कभी कंडीशन करना हो, बालों को ऐसा कुछ करना हो तो मैं हिना लगा लेती हूँ। जो मेहंदी आती है, मेहंदी के जो पैकेट आते हैं, पाउच आते हैं, आपने देखे होंगे जो खादी वाले होते हैं, जो हरी मेहंदी होती है पिसी हुई मेहंदी, मैं वो लेती हूँ। और उसमें आप घर में जैसे मेरे घर का आंवला का पाउडर चूर्ण बना के मैंने रखा होता है, मैं वो मिलाती हूँ, मेथी दाना मिला लेती हूँ, दही मिला सकते हैं, आप जो कुछ मिलाना चाहे उसका पेस्ट बना लीजिए, वो लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी आप लगाना चाहे, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी आप डाई लगाएं क्योंकि मैं नहीं लगाती। तो बाकी आप देख लीजिए आपको लगाना है या नहीं लगाना है, पर मेरा मानना है कि शायद आपको नहीं लगाना चाहिए। आप मेहंदी लगा लीजिए, उससे बाल भी अच्छे से कंडीशन हो जाते हैं, कलर भी एक प्यारा सा अच्छा सा कलर आ जाता है, तो उससे भी आपका काम आसानी से हो जाता है और उसके कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद जी का, वो पूछते हैं क्या आप कैंसर फ्री हो गई हैं। तो हाँ अहमद जी, मैं कैंसर फ्री हूँ। देखिए मुझे इस अक्टूबर में 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे कैंसर फ्री हुए, क्योंकि मेरी जो कैंसर ट्रीटमेंट जो मेरा हुआ था लास्ट टाइम, और इस अक्टूबर में 6 साल मुझे कंप्लीट हो गए हैं, मैं बिल्कुल कैंसर फ्री हूँ। और थैंक यू आपका ये सवाल पूछने के लिए। और नेक्स्ट है एशपिरांत, ये पूछ रहे हैं क्या आपको अब भी डर लगता है। तो देखिए मुझे अब बिल्कुल डर नहीं लगता। स्टार्टिंग के 1, 2 या 3 साल कह लीजिए जिसमें वो रिकरेंस रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है, उस वक्त पे डर लगता था, उस वक्त पे लगता था कहीं भी थोड़ी सी तकलीफ हो या कहीं पे कुछ भी सेंसेशन हो, दर्द हो, खुजली हो रही है या कुछ भी इरिटेशन हो रही हो, तो ऐसा लगता था कहीं कैंसर वापस तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। लेकिन अब मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं तो अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। जैसे मैंने आपको बताया मैं बहुत ही मेडिटेशन प्राणायाम करती हूँ तो मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मेरी तरफ से मुझे ऐसे लगता है मैं एकदम स्वस्थ हूँ। बाकी भगवान की मर्जी जो होना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे अब आज की डेट में मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं अपने खान पान का ख्याल रखती हूँ, मैं अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो आशा करती हूँ आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो नेक्स्ट है इन्होंने, इनकी आईडी में मुझे इनका नाम नहीं दिखा लेकिन इनका जो क्वेश्चन था वो था कि ब्रेस्ट कैंसर में पूरा ब्रेस्ट हटा लिया है, निकाल लिया है और 27 को सर्जरी हुई है, आपने 27 को ये नहीं बताया। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आई थिंक लास्ट मंथ 27 को आपकी सर्जरी हुई होगी, हुई है मैम, दर्द कब तक ठीक होगा। तो देखिए आप ये बात
समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया, अगर सर्जरी हुई है, मेरी सर्जरी हुई है, एटलीस्ट 3 हफ्ते लगते हैं, या एक महीना रख लीजिए आप, 25 से 30 दिन रख लीजिए एकदम प्रॉपर ठीक होने में, आपके जो स्टिचेस लगे हैं वो हील होने में, आपको ड्रेन के लिए पाइप लगी होती है वो निकलने में। तो जब तक ये चीज़ें, एक महीना मतलब 21 दिन या 25 दिन लेके चलिए कि आपको थोड़ी तकलीफें रहती है, तो जैसे ही आपके स्टिचेस हट जाएंगे ये सब कुछ निकल जाएगा, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप एकदम ठीक हो जाएंगे एकदम से। देखिए कोई भी चीज़ हो, कोई भी सर्जरी हो, किसी भी तरह की सर्जरी हो, उसे हील होने में टाइम लगता है, हमें उसे टाइम देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपका एक महीना हो जाए, डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं अपने, तो आप फिर एक्सरसाइज शुरू कीजिए धीरे धीरे। अगर आप कर पाए तो आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, जितना आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे उतना आपका जो है, आपके शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। नहीं तो क्या होता है, जब सर्जरी होती है हमारा वो वाला जो एरिया होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता है, तो हमें ऐसी स्टिफनेस महसूस होती है, ऐसी अकड़न जकड़न सी महसूस होती है उसमें, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो उसके लिए क्या है, आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, हो सके तो प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, तो धीरे धीरे ये दिक्कतें आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी, वो जगह नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, सॉफ्ट होनी। स्टार्टिंग में देखिए मेरी जो सर्जरी हुई थी बहुत हार्ड थी, ये जगह बहुत हार्ड थी, सोने में तकलीफ होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है, मुझे वो भी बहुत टाइम गया है, तो इस वजह से। तो एक महीना आप लेके चलिए कि आपको थोड़ा बहुत दर्द तकलीफ होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा होती है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो आपको पेन किलर भी देते हैं, लेकिन वो बहुत कम देते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, जैसे ही आपकी सर्जरी हुई हो 2-4 दिनों के लिए, उसके बाद हल्का हल्का, कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम ऐसे पेन होता रहता है। तो आप एक महीना लेके चलिए कि आपको ये तकलीफ होगी, उसके बाद थोड़ा कम होता, फिर जैसे जैसे हील होना शुरू होगा तो आपको दर्द कम महसूस होना शुरू होगा। और नेक्स्ट है सजाना गुरुंग जी का, तो वो पूछ रही है क्या आपको ब्रेस्ट में पेन होता था। देखिए मैंने ये पहले भी वीडियो में बताया है कि मुझे पेन, ऐसा पेन नहीं होता था कि मुझे पूरे ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, नहीं ऐसा नहीं होता था। मैंने बताया जैसे मुझे कुछ डिस्चार्ज होता था, वो भी कुछ वाटर फॉर्म में, हल्का सा मिल्की हल्का सा वाटर कुछ ऐसे फॉर्म में मुझे डिस्चार्ज होता था निपल से। और नेक्स्ट है एग्जैक्ट जो पॉइंट है जहाँ पे लंप था मेरा, जिसे गांठ बोलते हैं, मुझे वहाँ पे होता था, वहाँ पे मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कुछ कांटा चुभ रहा हो, हल्की सी सुई चुभ रही हो, हर वक्त मुझे ऐसा फील होता था, और मुझे उसमें कुछ गरम गरम सा लगता था, हर वक्त ऐसे लगता था कि सेक लग रहा हो, जैसे गर्म हो, मुझे इस साइड पे गांठ थी, तो मुझे एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, ऐसा नहीं था पूरे ब्रेस्ट में मुझे दर्द हो रही है, नहीं ऐसा नहीं था, मुझे वहाँ पे गरम गरम सा फील होता था, एकदम लगता था कि अगर धूप में खड़े हो जाओ या कहीं गर्मी वाली जगह पे खड़े हो जाओ तो उस जगह पे ज्यादा गर्मी महसूस होती थी, ये चीजें होती थी। और नेक्स्ट है ममता सूरी का क्वेश्चन है, हाय डियर, जब हम फ्रूट पील करके खा सकते हैं तो खीरा टमाटो मूली को पील करके क्यों नहीं खा सकते हम, क्यों मना करते हैं कीमो के दौरान। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि कीमो के दौरान आप ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा कर सकते हैं, बट एक जनरल बात मैं बताती हूँ जो डॉक्टर भी कहते हैं, कोशिश करना चाहिए जो हम फ्रूट या जो वेजिटेबल हम जो छिलकों के साथ खा सके तो वो खा लेनी चाहिए। क्या होता है, छिलकों में जो होता है न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हम वो छिलका उतार देते, अगर तो एकदम पतला उतारो फिर भी ठीक है, कहते हैं जो छिलकों के एकदम अंदर की साइड में है उसमें हमारे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है, अगर हम छिलका एकदम उतार देंगे, कई बार मोटा भी उतर जाता है, तो उससे आधा जो है न्यूट्रिशन हमारा निकल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि छिलकों के साथ अगर आप खा सकते हैं तो ज़रूर खाइए, बाकी आपकी मर्जी, उतारना है तो वो भी देख लीजिए। लेकिन क्या होता है आजकल केमिकल वाली सब्जियां आ रही है, फ्रूट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, उन्हें पानी में डिप करके रखिए, पहले अच्छे से धोइए, पानी में डिप करके रखिए, उसमें जरा सा विनेगर डालिए, तो क्या होता है अगर उसमें ऊपर से केमिकल लगा हो वो निकल जाता है, फिर उसे अच्छे से वॉश करके फिर आप छिलके के साथ भी खा सकते हैं, जो सब्जियां हम छिलकों के साथ खा सकते हैं, बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है वो नहीं खा सकते छिलकों के साथ, तो हम ये छिलका खीरा आराम से खा सकते हैं। अगर बहुत हार्ड लग रहा है आपको छिलका तो बेशक उतार दीजिए, वैसे छिलकों के साथ जो भी आप फ्रूट भी अगर खाना चाहें तो आप छिलकों के साथ खा सकते हैं, अगर बहुत हार्ड हो कोई तो वो ऑब्वियसली उतारने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप छिलकों के साथ खाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये जवाब पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखविंदर जी का, सुखविंदर सिंह जी का। वो कह रहे हैं कि ब्रेस्ट में जो हार्ड जगह थी वो सेकंड कीमो के बाद फुली मेल्ट हो गई है, पीजीआई में ट्रीटमेंट चल रहा है, फोर्थ कीमो हो गई है, क्या अभी सर्जरी होगी और कितने कीमोथेरेपी होगी, प्लीज ऐड माय आंसर इन योर अपकमिंग व्लॉग। तो देखिए सुखविंदर जी, बात ऐसी है, एक तो आपने ये प्रॉपर नहीं बताया है आपका किस स्टेज का कैंसर है, इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है, आपका किस स्टेज का है, किस ग्रेड का है, किस टाइप का कैंसर है। तो जैसे आपने बताया कि अगर मैं एक जनरल बात करूं, वैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया होगा, स्टार्टिंग में हमें बताते हैं, जब मुझे कीमो लगी थी तो स्टार्टिंग में डॉक्टर ने बताया था कि आपको जो है 8 कीमो लगेगी, 6 महीने तक लगेगी, 21 दिन में एक। स्टार्टिंग में जब कीमो का सेशन शुरू होता है तो डॉक्टर आपको बता देते हैं, तो शायद आपको भी बता दिया हो। अगर आप कह रहे हैं कि सेकंड कीमो के बाद आपकी जो लंप है, गांठ है, वो मेल्ट हो गई है, तो कई बार डॉक्टर ऐसा करते हैं कि जब 4 कीमो लगती है उसके बाद कई बार वो टेस्ट करवाते हैं आपका वो या तो मेमोग्राफी करवाएंगे या अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि पूरी तरह मेल्ट हो गई है, आगे का ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है तो आगे का ट्रीटमेंट आपको नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कुछ रह गया है अंदर या ज़रूरत है तो मे बी हो सकता है आपको रेडिएशन दे, हो सकता है सर्जरी, आपने पूछा सर्जरी की ज़रूरत है, अगर मेल्ट हो गई है तो शायद ना हो, बट ये कंफर्म नहीं है, आप अपने डॉक्टर से पूछिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर अगर गांठ नहीं है तो फिर सर्जरी किस चीज़ की होगी ना, तो ये चीज़ है। तो हो सकता है कि सर्जरी ना हो आपकी, आपको कीमो लगे और कीमो के बाद मे बी आगे का ट्रीटमेंट ना हो, ये भी हो सकता है कि कीमो के बाद किसी किसी को मेडिसिन चलती है वो चले, आपको जो कीमो मेडिसिन दी जाती है, टेबलेट दी जाती है, वो हो सकता है, या हो सकता है डॉक्टर को लगे कि रेडिएशन की ज़रूरत, हो सकता है अंदर कहीं भी होता है ना, कहीं एक या दो कहीं कैंसर सेल्स रह ना गए हो जिंदा कीमो से, तो कई बार रेडिएशन भी दे देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बाकी डॉक्टर आपको बताएंगे, अगर आपकी गांठ मेल्ट हो चुकी है वो भी सेकेंड कीमो के बाद, तो शायद ऐसा लगता है कि आपकी सर्जरी ना हो, हो सकता है आप आगे का ट्रीटमेंट ना हो। बाकी आप अपने डॉक्टर से पूछिए, वो प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे कि किस स्टेज का कैंसर है, किस ग्रेड का कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है और क्या है। तो मैं आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।